ऑलराइट सो आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ESP32 एंड ESP8266 NodeMCU बोर्ड को वाईफाई नेटवर्क के साथ ऑटो कनेक्ट करवा सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका राउटर या फिर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वाईफाई रिस्टोर होने पे NodeMCU बोर्ड ऑटोमेटिकली उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेगा। वैसे तो NodeMCU बोर्ड को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का कोड बहुत ही बेसिक सा है। आप मेरे आर्डिनो आईडी पे भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का कोड रहता है जिसको अपलोड करने के बाद बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को वर्क थ्रू कर लेते हैं। टॉप पे मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर रखा है ESP8266WiFi.h। नेक्स्ट दो कैर कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर रखा है SSID एंड पासवर्ड, जिसमें मैंने अपना SSID एंड पासवर्ड डिफाइन कर रखा है। एंड इनसाइड सेटअप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर दिया है, बॉड रेट रखा है 115200। देन सीरियल प्रिंट कर रखा है कनेक्टिंग टू एंड SSID। नेक्स्ट लाइन पे है wifi.begin। सो बिगिन वाईफाई लाइब्रेरी का एक इनबिल्ट मेथड है जो कि SSID पासवर्ड को यूज करके बोर्ड को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा देता है। सो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपका वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तब आपका बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एक वाइल लूप ले रखा है, वाइल wifi.status ≠ WL connect। सो बोर्ड अगर वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है तो कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा एंड ब्लॉक के अंदर हाफ सेकंड का डिले लगा रखा है एंड सीरियल पे डॉट प्रिंट कर रखा है। तो जब तक बोर्ड वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हो जाता है तब तक सीरियल पे डॉट कंटिन्यूअसली प्रिंट होता रहेगा। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब अगर बोर्ड वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब इस ब्लॉक के बाहर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा एंड ब्लॉक के बाहर सीरियल प्रिंट कर रखा है वाईफाई कनेक्टेड देन IP एड्रेस एंड एट लास्ट सीरियल प्रिंट कर दिया है wifi.localip। सो वाईफाई लाइब्रेरी का लोकल आईपी मेथड हमें लोकल आईपी रिटर्न करेगा एंड सीरियल मॉनिटर पर वाईफाई कनेक्ट हो जाने के बाद लोकल आईपी प्रिंट हो जाएगा। सो ये सिंपल सा कोड है जिसको हम यूज करते हैं NodeMCU बोर्ड को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। सो अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं NodeMCU बोर्ड पे एंड प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। कोड अपलोड होने के बाद आप सीरियल मॉनिटर पे देख पा रहे हो कनेक्टिंग टू TFK जो मेरा SSID है, देन वाईफाई कनेक्टेड एंड उसके बाद हमें IP एड्रेस मिल रहा है वाईफाई कनेक्ट होने के बाद। सो इस तरीके से इस कोड को अपलोड करके आप NodeMCU बोर्ड को वाईफाई के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। बट इस कोड का ड्रॉबैक है कि अगर आपका राउटर किसी वजह से रिस्टार्ट हो जाता है एंड अगेन वाईफाई अवेलेबल होने के बाद NodeMCU खुद से ऑटोमेटिकली उस वाईफाई नेटवर्क के साथ अगेन कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। और वो इसलिए क्योंकि वाईफाई कनेक्टिंग के लिए जो मेन फंक्शनलिटीज है, जो मेन कोड है, उसको हम लोगों ने रखा है वॉइस सेटअप पे। और वॉइस सेटअप बस वन टाइम रन होता है जब आप बोर्ड को पावर देते हो या फिर रीसेट बटन प्रेस करते हो। और अगर आप चाहते हो वाईफाई रिस्टोर होने के बाद बोर्ड ऑटोमेटिकली वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर ले तो कोड को सेटअप से हटा के लूप पे पेस्ट करना है एंड अपलोड कर देना है। सो अगेन कोड अपलोड करने के बाद आप सीरियल मॉनिटर पे देख पा रहे हो कंटिन्यूअसली डॉट प्रिंट हो रहा है और वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने वाईफाई ऑफ कर रखा है एंड अभी मैं वाईफाई ऑन करने जा रहा हूँ। एंड वाईफाई ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है एंड IP एड्रेस हमें शो हो रहा है। एंड अगेन मैं वाईफाई ऑफ करके देखता हूँ। सो आप देख पा रहे हो वाईफाई ऑफ करने के बाद कंटिन्यूअसली अगेन डॉट प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। एंड अगेन अगर मैं वाईफाई ऑन करता हूँ तो बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहा है। इस कोड को हम एक बेटर वे में लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि जब वाईफाई कनेक्ट हो जाए तब ये कंटिन्यूअसली ना चले, ओनली वाईफाई डिसकनेक्ट होने पे ये कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहे वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोड को ही मॉडिफाई कर दिया है। सेटअप पे एक फंक्शन कॉल कर रखा है कनेक्ट टू वाईफाई एंड इस फंक्शन को नीचे डिफाइन भी कर रखा है। फंक्शन के अंदर सीरियल प्रिंट कर दिया है कनेक्टिंग टू वाईफाई, देन यहाँ पे रखा है wifi.begin। attempts एक इन वेरिएबल ले रखा है जिसका इनिशियल वैल्यू रखा है 0 एंड एक वाइल लूप ले रखा है वाइल wifi.status ≠ WL connect एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके attempts लेस देन 10। सो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर रहेगा। ब्लॉक के अंदर डिले ले रखा है 1000 ms एंड डॉट सीरियल प्रिंट कर रखा है एंड attempts को इंक्रीमेंट कर दिया है। सो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तक सीरियल मॉनिटर पे कंटिन्यूअसली डॉट प्रिंट होता रहेगा एंड अटेम्प्ट्स का वैल्यू रखा है लेस देन 10। सो सीरियल मॉनिटर पे कंटिन्यूअसली 10 डॉट प्रिंट होगा एंड उसके बाद एक इफ कंडीशन ले रखा है इफ़ wifi.status ≠ WL connected। सो मतलब अगर डिवाइस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेगा वाईफाई कनेक्टेड एंड लोकल IP सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा, एल्स सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा फेल टू कनेक्ट टू वाईफाई। एंड बोर्ड वाईफाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है वाईफाई कनेक्शन को रिगेन करने के लिए एंड उसके लिए हमें लूप पे कुछ कोड ऐड करना होगा। फॉर लूप पे एक इफ कंडीशन ले रखा है wifi.status ≠ WL connected। सो अगर बोर्ड वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है वाईफाई डिस्कनेक्टेड रिकनेक्टिंग, देन कनेक्ट टू वाईफाई फंक्शन को कॉल कर रखा है
एंड अगर वाईफाई नेटवर्क रिस्टोर हो चुका है तो ये फंक्शन बोर्ड को वाईफाई के साथ अगेन कनेक्ट कर देगा। सो कोड अपलोड कर देते हैं एंड अगेन प्रोग्राम को टेस्ट करके देखते हैं। कोड अपलोड होने के बाद आप सीरियल मोनिटर पे देख पा रहे हो कनेक्टिंग टू वाईफाई, देन कुछ डॉट प्रिंट्स होने के बाद वाईफाई कनेक्टेड एंड आईपी एड्रेस भी हमें शो हो रहा है। एंड अभी वाईफाई ऑफ करके देख लेते हैं। एंड वाईफाई ऑफ करते ही आप देख पा रहे हो वाईफाई डिसकनेक्टेड, रीकनेक्टिंग एंड अगेन कनेक्टिंग टू वाईफाई एंड अगेन कंटिन्यूअसली डॉट प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। 10 डॉट प्रिंट होने के बाद फेल टू कनेक्ट टू वाईफाई, वाईफाई डिसकनेक्टेड एंड इस तरीके से ये चलता रहेगा। जब तक बोर्ड को वाईफाई नेटवर्क नहीं मिल जाता है तब तक ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा एंड वाईफाई नेटवर्क मिलने पे अगेन बोर्ड ऑटोमेटिकली वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेगा। सो आप देख पा रहे हो वाईफाई ऑन करने पे ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया है एंड आईपी एड्रेस भी रिटर्न कर दिया है। अभी अगेन ऑफ करके देख लेते हैं। ऑफ करते ही आप देख पा रहे हो वाईफाई डिसकनेक्टेड एंड अगेन बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली रिट्राई करता रहेगा। अभी वाईफाई ऑन कर देते हैं एंड इस बार कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो अगेन वाईफाई ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हो सीरियल मॉनिटर पे वाईफाई कनेक्टेड, अगेन हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है एंड बोर्ड के साथ मैं एक एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ। जब वाईफाई कनेक्ट रहेगा तब एलईडी ऑन रहेगा एंड वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाने पे एलईडी ऑफ हो जाएगा। उसके लिए वॉइस सेटअप पे पिन मोड ऐड करना पड़ेगा, पिन मोड D3 आउटपुट। एलईडी पे D3 पिन पे कनेक्ट कर रहा हूँ एंड वाईफाई कनेक्ट होने पे हमें D3 को हाई करना है। सो इस इफ ब्लॉक के अंदर हम एलईडी हाई कराएंगे एंड एल्स ब्लॉक पे हमें एलईडी लो रखना है। एंड अभी आप देख पा रहे हो जब बोर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तब एलईडी ऑन हो रहा है एंड वाईफाई डिसकनेक्ट करने पे एलईडी ऑफ हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप वाईफाई रिकनेक्ट करवा सकते हो ESP8266 NodeMCU बोर्ड के साथ। और अगर आपको ESP32 बोर्ड को प्रोग्राम करना है तो आपको बस इंक्लूड स्टेटमेंट चेंज करना है। ESP8266 वाईफाई के जगह पे आपको सिंपल wifi.h इंक्लूड करना होगा एंड आपका काम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये चीज़ करना है। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे वर्क करना है तब वहाँ पे भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप अपना डाउट मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।